हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस की थी। ये त्रुटियाँ बेसिकली कितने प्रकार की होती है, और मैथमेटिकली हम यहाँ पे कैलकुलेशन पोर्शन में कितने प्रकार की त्रुटियाँ देखते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि हम यहाँ पे चार प्रकार की त्रुटियाँ पढ़ते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब इन त्रुटियों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन एरर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन एरर्स, त्रुटियों पे आंकिक प्रश्न। तो पहले हम प्रश्न को लिख देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से बाद में समझने में दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन ये है कि कांच का अपवर्तनांक 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 और 1.46 माना गया है। हमने किसी कांच का अपवर्तनांक मापा और उसके मापित मान हमें दे रखे, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 व 1.46 मापा गया। तो पहला, इसका औसत मान ज्ञात करना है। दूसरा, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। तीसरा, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है, आपेक्षिक त्रुटि। और चौथा, इसकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इट्स वेरी इजी। हमें दे रखा है क्वेश्चन कि कांच का अपवर्तनांक हमने मापा। कांच का अपवर्तनांक बेसिकली क्या होता है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कोई भी पदार्थ प्रकाश को एक निश्चित तरीके से मोड़ता है, और उसका ये निश्चित तरीके से मोड़ना ही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। अलग अलग पदार्थ प्रकाश को अलग अलग तरीके से मोड़ता है, तो सभी का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। 12th क्लास में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल इसमें त्रुटि वाले पोर्शन को ही डिस्कस करें, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक की हमारे पास 5 वैल्यू दे रखी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये इसके मापित मान है, हमारे पास क्या देखे, इसके मापित मान। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका औसत यानी कि माध्यमान। माध्यमान को हम शुद्ध मान या वास्तविक मान भी कहते हैं, बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। उसके बाद हमें इसकी परम त्रुटि यानी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, फिर आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। फर्ज कीजिए हमें ये तीनों नहीं दे रखे हो ज्ञात करने, और केवल प्रतिशत त्रुटि ही पूछा जाए। केवल प्रतिशत त्रुटि पूछने पर भी हमें इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि तभी निकलेगी जब आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी, और आपेक्षिक त्रुटि तभी निकलेगी जब परम त्रुटि निकलेगी, और परम त्रुटि तभी निकलेगी जब हमारे पास माध्यमान निकलेगा। तो अगर ये तीनों न भी पूछे जाए तब भी हमको फाइंड आउट तो करना ही है, केवल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो मापित मान दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, A1 बराबर दे रखा है 1.52, A2 बराबर दे रखा है 1.48, A3 बराबर दे रखा है 1.50, A4 बराबर दे रखा है 1.54 और A5 बराबर दे रखा है 1.46। ये इसके मापित मान है। तो हम इसका शुद्ध मान ज्ञात करते हैं, शुद्ध या वास्तविक मान कह दो या माध्यमान कहो, शुद्ध मान कहो या वास्तविक मान कहो या माध्यमान कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो शुद्ध मान, वास्तविक मान या माध्यमान बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़ के 5 का भाग देंगे। तो माध्यमान, इसको हम लिखते क्या है, माध्यमान को लिखते हैं ए माध्य बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और अपॉन 5, इन सभी को जोड़ के 5 का भाग। तो यहाँ से ए माध्य बराबर A1 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 और 1.46, और सभी को जोड़ के हमें किसका भाग देना है, 5 का। अब इन सभी को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, आप जैसे जोड़ते हो वैसा हम भी जोड़ देते हैं। 48, 1.48,
50 1.54 1.46 6 4 10 और 20 2 7 7 एंड 4 11 16 16 21 एंड 25 का 2 इधर 1 2 3 4 5 6 7 7.50 आएगा कितना आएगा 7.50 तो यहाँ से ये 7 पॉइंट ए माध्य बराबर आ जाएगा मेरे पास 7.50 अपॉन 5 और ए माध्य की यहाँ से मेरे पास वैल्यू जाएगी वो कितनी आ जाएगी इसमें इसका भाग देंगे तो 1.50 ये ए माध्य मेरे पास कितना आ जाएगा 1.50 आ गया तो ये इसका शुद्ध मान है या माध्य मान है पहला आ गया मेरे पास औसत मान हमने ज्ञात कर लिया उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है परम त्रुटि ज्ञात करनी है यानी निरपेक्ष त्रुटि तो यहाँ हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं यहाँ हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं ठीक है इस क्वेश्चन में हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती क्या है हमने पढ़ा था परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है परम त्रुटि बराबर होती है जो वास्तविक मान है और जो मापित मान है उसके अंतर को हम परम त्रुटि कहते हैं वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं और मॉड लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो प्रथम निरपेक्ष त्रुटि जो आएगी डेल्टा ए वन वो आएगी माध्य निरपेक्ष माध्य मान या वास्तविक मान 1.50 1.50 माइनस प्रथम मापित मान कितना 1.52 तो 1.50 में से 1.52 गया लेना पॉजिटिव है तो कितना आएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02 दूसरी निरपेक्ष त्रुटि मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.50 माध्य मान में से मापित मान 1.48 कितना आ जाएगा 0.20 तीसरी निरपेक्ष त्रुटि बराबर आ जाएगी 1.50 माइनस तीसरा मापित मान 1.50 है 1.50 0.00 चौथी निरपेक्ष त्रुटि मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.50 माइनस चौथा मापित मान कितना है 1.54 आ जाएगा 1.54 इज इक्वल टू 0.04 और पांचवी निरपेक्ष त्रुटि मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.50 माइनस 1.46 ये आ जाएगा 1.46 इज इक्वल टू 0.04 क्लियर तो ये मेरे पास क्या आ गई निरपेक्ष त्रुटि आ गई निरपेक्ष त्रुटि के बाद हम इन निरपेक्ष त्रुटियों का भी माध्य निकाल लेते हैं जिसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं क्लियर तो यहाँ से माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं क्या निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि इन निरपेक्ष त्रुटियों का जो माध्य होता है उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए माध्य से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या आएगा वो इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य आएगा सभी निरपेक्ष त्रुटियां कौन कौन सी है प्रथम निरपेक्ष त्रुटि प्लस दूसरी निरपेक्ष त्रुटि प्लस तीसरी निरपेक्ष त्रुटि प्लस चौथी निरपेक्ष त्रुटि और प्लस पांचवी निरपेक्ष त्रुटि इन सभी को जोड़ के पांच का भाग दे देंगे तो मेरे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए माध्य बराबर आ जाएगा इन सभी को जोड़ेंगे क्या आएगा 0.02 0.02 0.00 0.04 0.04 और सभी को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे पाँच का अब देखिए सभी को जोड़ें तो 2 और 2 4 4 और 4 8 और 4 12 तो यह आ जाएगा 0.12 और अपॉन 5 इसमें इसका भाग देंगे तो 0.024 ये आ जाएगा है ना 5 × 10 = 20 5 × 20 ठीक तो ये इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी क्या आ जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि यहाँ तक लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं ठीक है गाइस ऑलराइट चलिए तो ये हमने क्या निकाल लिया इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली अब बेसिकली जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमने निकाली है हम पॉइंट के बाद दो संख्याएं ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तक हमने सार्थक अंक नहीं पढ़े पूर्णांकित करना नहीं पढ़ा है तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको 0.02 ही लिखेंगे ठीक है तो ये इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी अब हम निकालते हैं आपेक्षिक त्रुटि ये हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाल तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं आपेक्षिक त्रुटि ये दूसरा पॉइंट था परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि तो हम निकालते हैं अब आपेक्षिक त्रुटि ठीक है चलिए हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि
तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि बेसिकली क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का अंतर या अनुपात। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर आ जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और अपॉन माध्य मापित मान। तो निरपेक्ष त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि को क्या लिखते हैं, डेल्टा ए माध्य से, तो यह आ जाएगा डेल्टा ए माध्य और माध्य मान को कैसे लिखते हैं, ए माध्य से। माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए माध्य की वैल्यू है 0.02, यह आ जाएगा 0.02 और माध्य मान मेरे पास कितना आया था, माध्य आयमान आया था 1.50, यह आ जाएगा 1.50। ये पॉइंट हटा दो, ये भी पॉइंट हट जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि बराबर आएगी 2/150, याद आएगा 1/75। अब मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो पॉइंट में लिख सकते हैं, नहीं तो अपन 1.75 भी लिख सकते हैं। ये इसकी आपेक्षिक त्रुटि है, क्या आएगी आपेक्षिक त्रुटि। मैं इसको 1/75 लिखूं तो भी सही है और पॉइंट में लिखूं तब भी सही, पॉइंट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट में लिखे तो 0.something हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी लिखे तब भी सही, ये भी लिखे तब भी सही, तो ये आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी 1/75। ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट हमें क्या निकालना है, इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो चौथा पॉइंट अपन देख लेते हैं, इसकी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो हमने पढ़ा था कि प्रतिशत त्रुटि बेसिकली क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम आपेक्षिक त्रुटि को 100% से गुणा कर देते हैं। आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100% जो है उसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि कितनी दे रखी है 1/75 और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो, इसमें 25 का भाग 4 बार, इसमें 25 का भाग 3 बार, यह आ जाएगा 4/3 प्रतिशत। कितना आ जाएगा 4/3, और 4/3 को अपन वैल्यू पुटअप करें तो कितना आ जाएगा 4/3 प्रतिशत को, या इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो इसमें आ जाएगा 1.33%, ठीक है। तो इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी, 1.33% की त्रुटि आएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व किया। देखिए गाइस, हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने वैल्यू दे रखी थी जो मापित मान है लिख लिए, उसके बाद इसका वास्तविक मान कहो, शुद्ध मान कहो या माध्य मान कहो, वो इस तरह से निकालते हैं, इसका माध्य लेते हैं, माध्य मान निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी परम त्रुटि निकालते हैं। परम त्रुटि बेसिकली क्या होती है, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर, और उसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन का मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी। ये निरपेक्ष त्रुटियां निकालने के बाद निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जो जो निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास आई है, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ के उनकी संख्याओं का भाग देके हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है उसमें माध्य मापित मान का भाग देते हैं, तो हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि आएगी। उसी आपेक्षिक त्रुटि को हम 100 से अगर गुणा कर दें तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के अगर मापित मान दे रखे हो तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे देता हूँ, जो आप अपने फेयर काम में कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, तो इसको रफ कर देते हैं अपन। एक क्वेश्चन मैं एज एन असाइनमेंट आपको दे देता हूँ और उसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। त्रुटि पे भी हम काफी सारे वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी और आपकी लोकल एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब ये त्रुटि वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं एज एन असाइनमेंट आपके लिए लिख देता हूँ। किसी छड़ की लंबाई, ये मापित मान क्रमशः 9.00 सेंटीमीटर, 9.04 सेंटीमीटर, 8.9, 6 सेंटीमीटर,
9.00 सेंटीमीटर, चलिए 0.2 सेंटीमीटर और 8.98 सेंटीमीटर हो तो पहला पॉइंट निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा पॉइंट आपेक्षिक त्रुटि और तीसरा पॉइंट प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। हमने एक छड़ की लंबाई मापी, उस छड़ की लंबाई के 5 मान दे रखे हैं, 9.00, 9.04, 8.96, 9.02 और 8.98 सेंटीमीटर। ये किसी छड़ को हमने मापा और उसके 5 मान हमने ज्ञात किए, तो ये मापित मान होंगे। ठीक है, अभी क्या ज्ञात करना है, एज इट इज निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी। तो अभी जस्ट हमने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन एज इट इज उसी फॉर्मेट से होगा, तो एक बार आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई करने से ही कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब भौतिक राशियां आपस में जुड़ती हैं, घटती हैं और गुणा होती है, भाग होती है या उनके ऊपर पावर लगाई जाती है, तो इनकी त्रुटियां किस प्रकार से जुड़ती, घटती, गुणा या भाग होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम उसके एग्जाम्पल्स भी लेते जाएंगे, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।